दोस्तों, आज मैं आप लोग के साथ एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। एक बार एक मेंढक का समूह जंगल में घूम रहा था, तभी अचानक उन समूह में से दो मेंढक एक गहरे गड्ढा में गिर गया। जब उनके साथी दूसरे मेंढकों ने उन्हें गहरे गड्ढा में गिरे हुए देखा तो वह बोले कि आप इस गड्ढा से बाहर नहीं निकल सकते और अब आप अपनी मौत के बहुत नज़दीक है। इन दो मेंढकों ने उनकी बातों को इनकार यानी इग्नोर कर दिया और अपनी पूरी ताकत से उस गड्ढे से बाहर निकलने के लिए छलांग मारने लगा। वो मेंढक फिर उन दो मेंढकों से बोले, रुक जाओ, तुम इस गड्ढे से बाहर नहीं निकल सकते और तुम दोनों मौत के बहुत करीब है। तो वो दोनों मेंढक इस बात को सुना और फिर एक मेंढक ने उनकी बात सुन ली और हार मान ली। जैसे वो एक मेंढक हार मान ली, हारने के बाद वहाँ से वो गिरा और गिर करके उसकी मौत हो गई। लेकिन दूसरा मेंढक अपनी पूरी ताकत से लगातार जंप मारने लगा, लगातार जंपिंग करने लगा। एक बार फिर मेंढक का समूह उस मेंढक को बोला कि इतना दुख मत सहे क्योंकि मौत तुम्हारे बहुत नज़दीक है। उसने फिर दोबारा से अपनी सारी ताकत लगाकर जंप मारना शुरू किया और फिलहाल वह गड्ढे से बाहर निकल आया। जब वह ऊपर आया तो उसे मेंढक का ग्रुप या ग्रुप्स वाले बोले, क्या उसने हमारी बात नहीं सुनी? तब वह मेंढक उनको बोला, वह बहरा है। यानी जब दो मेंढक गहरे गड्ढे में गिर गया था तो उस दो मेंढक में एक मेंढक बहरा था और एक मेंढक अच्छे तरीके से सुन पा रहा था। जब उसके साथी ग्रुप्स वाले वो दोनों को नेगेटिव थॉट्स वाले बात बोल रहे थे, उसमें से जो मेंढक सुन पा रहा था वह उस बातों को मान लिया कि मैं ऊपर गड्ढे से बाहर नहीं निकल सकता हूँ। लेकिन उसमें से एक मेंढक बहरा था जो समझ रहा था कि मेरे साथियों मेरे लिए मोटिवेट या मेरे लिए ताली बजा रहे या मेरे लिए उम्मीद कर रहे कि वह बाहर निकल सकता है, मेरे लिए उत्साह कर रहे हैं कि मेरे साथी बाहर निकल सकता है। इसी वजह से वह बहरे मेंढक कुएं से या गड्ढे से बाहर निकल आया। इस स्टोरी का मेन मोटिव है, दोस्तों, आपके शब्द में जीवन और मृत्यु दोनों की शक्ति है। यानी जो हमारे अल्फाज है, वर्ड्स है, हमारे अल्फाज में जिंदगी भी है तो मृत्यु भी है, मौत भी है। आप चाहे तो किसी को अपने शब्दों से एक नहीं यानी अपने शब्दों से एक नया जिंदगी दे सकते हैं तो वही अपने शब्दों से दूसरे को मौत भी दे सकते हैं। यानी दूसरा किसी की उम्मीद भी बढ़ा सकते हैं। हमेशा आप सभी को या हम सभी को चाहिए कि जब भी कोई व्यक्ति कोई भी मुश्किल में हो, कोई भी परेशानी में हो, तो उसके साथ हमेशा पॉजिटिव बात करो, कभी भी उसके साथ नेगेटिव बात मत करो, क्योंकि नेगेटिव बात करने से उसकी उम्मीद टूट जाता है। जैसा कि अभी हम लोग जिस मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं तो हम सबको पॉजिटिव होकर के एकजुट होकर के आगे बढ़ना चाहिए और हमारे
मासरेक को हमारे समाज को एकजुट होकर के पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कोई भी इंसान अगर परेशानी या मुश्किलात में है तो उस मुश्किलात से उसे हमेशा निकालने का कोशिश कीजिए। कभी भी उसे नेगेटिव बातों से या अपने बुरे बातों से उसकी उम्मीद को ना तोड़ो। इसके बावजूद आपको इस इंसान को उत्साह बढ़ाना चाहिए, जिस जैसा कि उसका मनोबल ना गिरे। आपको उत्साह बढ़ाने से क्या पता उसकी नया उम्मीद मिल जाए और उसकी पूरी ज़िंदगी संवर जाए और वो एक दिन आपकी बातों एक बातों से इंसान बदल सकता है। और आपकी वो एक बात से अगर वो सक्सेस हो जाता है तो आप हमेशा किसी भी इंसान से पॉजिटिव बात कीजिए। कभी भी नेगेटिव बात दूसरों को नहीं कहना चाहिए, दूसरों को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि आजकल लोगों को बातों से जितना दर्द दिया जाता है, अगर वही एक दो बात किसी गरीब या किसी मुश्किलात में फंसे आदमी से अच्छी बात कर लिया जाता है तो उसके दिल में एक नया उम्मीद जगता है कि मैं उस चीज़ को कर सकता हूँ। यानी उसी तरह से वो मेंढक बहरा था, जिस वजह से उसे कोई नेगेटिव बात सुनाई नहीं दिया। इसलिए अगर कोई भी इंसान आपको नेगेटिव बना रहा है या नेगेटिव कर रहा है तो उसकी बातों को ना सुने, अपने बातों को सुनते हुए अपनी पॉजिटिविटी को देखते हुए आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि हमेशा लोग कोई ना कोई लोग आपको नेगेटिव करेंगे। नेगेटिव बातों को छोड़ो और हमेशा पॉजिटिव होते हुए आगे बढ़ो।